एटमर की ओर से आज के काम की खबर में। हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन फैसला दोनों जजों का अलग अलग है। अब ऐसे में हिजाब फैसले की बड़ी बेंच करेगी जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु गोलिया की पीठ की अलग अलग राय सामने आई है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि हमारी राय अलग अलग है। जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, वहीं जज सुधांशु गोलिया ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया। जिस वक्त ये फैसला आया उस वक्त कोर्ट की रूम खचाखच भरा हुआ था। कर्नाटका हाई कोर्ट ने 15 मार्च को राज्य के उत्पीड गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज में मुसलमान छात्रों को क्लास के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लामिक में आवश्यक धर्म का प्रथा हिस्सा नहीं है। और तो और सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिलहाल जो फैसला आया है उसके अनुसार बड़ी बेंच इसकी फैसला करेगी। 3 बेंच की होगी या फिर 5 बेंच की, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चीफ जस्टिस की ओर से किया जाएगा। वहीं अभी जो फैसला आया है उसे कर्नाटका कोर्ट के फैसले को ही लागू समझा जाएगा। कर्नाटका हाई कोर्ट का मानना था कि हिजाब इस्लामिक धर्म का अनिवार्य है, धार्मिक प्रथा के हिस्सा नहीं है। हाई कोर्ट इसके फैसले को सुप्रीम कोर्ट की चुनौती दी गई है। इस पक्ष में विपक्ष की कई दलीलें आए हैं जिसे लगातार सुनवाई हुई है। याचिका की ओर से सीनियर एडवोकेट के साथ साथ कई सारे वकीलों की दलील पेश की गई थी। हिजाब पक्ष को जो दलील दी गई थी उसमें कहा गया था कि 25 साल बाद राज्य सरकार में हिजाब प्रतिबंध क्यों लगाया गया, इससे क्या ज़रूरत थी यह देखने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं पेश किया गया। सेकुलर किसी भी उचित कारण या किसी भी औपचारिकता आधारित है। वह सोसाइटी जनरल तौर ने अपनी दलील में कहा था कि FPIR स्कूल एंड कॉलेज में मुसलमान छात्रों को हिजाब पहना उकसाया है। राज्य सरकार ने हिजाब प्रतिबंध पे विवाद पे किसी भी धार्मिक पहलू को नहीं छुआ है। यह प्रतिबंध केवल क्लास में सीमित है। इसको लेकर अभी भी बनी हुई है, अभी फैसला प्रॉपर नहीं आया है। बाकी अभी क्यों जाएंगे बड़ी बेंच के पास, उसके बाद ही यह फैसला माना जाएगा। बाकी जो अभी फैसला हाईकोर्ट कर्नाटका के हाईकोर्ट ने दिया है वही अभी लागू रहेगा। आगे की खबर के लिए जुड़े रहें मेट्रो मिरर से।